एवरीवन, वेलकम टू गायत्री किचन। आज हम बनाएंगे शाही पनीर, जो काफ़ी स्वादिष्ट होता है खाने में और काफ़ी लोगों को पसंद आता है। तो आइए जाने इसे कैसे बनाया जाए। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिया है 400 ग्राम पनीर, एक बड़े साइज़ का प्याज जिसे हमने काट लिया है, एक मीडियम साइज़ का टमाटर, 3-4 लहसुन की कली, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधा आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर, सरसों का तेल, 10-12 काजू और 2 चम्मच मगज, जिसे हम खरबूज का बीज भी बोलते हैं, और इन दोनों को हमने थोड़े से पानी में भिगो लिया है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर को हमने मीडियम साइज में काट लिया है और अब हम इन्हें हल्का भुनेंगे। इसके लिए हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दिया है और उसमें 2 से 3 चम्मच तेल डाला है। तेल गर्म होने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पनीर को तेल में डालकर हल्का भुन लेंगे। पनीर हमारा हल्का लाल हो चुका है और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी का पनीर इस तरीके से हम भून लेंगे। पनीर को हमने भून लिया है और अब हम काजू और मगज को मिक्सिंग जार में डालकर थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस लेंगे। अब हम बचे हुए तेल में, जिसमें हमने पनीर फ्राई किया था, उसी तेल में हम प्याज को फ्राई करेंगे और इसके बाद इसे पीस कर इस सब्जी का ग्रेवी बनाएंगे। ऐसा करने से तेल का इस्तेमाल इस सब्जी को बनाने में बहुत ही कम हो जाता है। आपने महसूस किया होगा कि कच्चे प्याज को जब आप पीस के ग्रेवी बनाते हैं तो तेल का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो आप इस तरीके से कोई भी सब्जी बनाएं, पहले प्याज को भून लें और उसके बाद पीसें, तो उससे आपके सब्जी में जो तेल का कंजप्शन है वो बहुत ही कम हो जाता है। प्याज हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है और अब हम एक टमाटर को बारीक काट के इसमें ऐड करेंगे। टमाटर डालने के बाद लहसुन को हम दरदरा पीस के ऐड करेंगे। टमाटर को पकने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे हमारा टमाटर अच्छी तरीके से पक जाए, और गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। 1-2 मिनट हो चुके हैं, हमारा टमाटर थोड़ा गल गया है और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे मिक्सिंग जार में निकाल लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे पीस लेंगे। तो इस सब्जी को बनाने के लिए हमने पनीर को फ्राई कर लिया है, प्याज टमाटर और लहसुन को हल्का फ्राई करके पीस लिया है और काजू और मगज को भी पीस लिया है, और अब हम इस सब्जी का ग्रेवी बनाएंगे। गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया है और अब हम इसमें 4 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है और अब हम इसमें प्याज टमाटर और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। गैस के फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है और इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। 1-2 मिनट हो चुके हैं और अब हम सारे मसालों को ऐड करेंगे। मसाले हमारे करीबन भुन चुके हैं और अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे चला लेंगे। मसालों से तेल आने लगा है और अब हम इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे। ग्रेवी में उबाल आ गया है और अब हम इसमें पनीर डालेंगे। पनीर डालने के बाद हम इसमें 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। गरम मसाला और नमक डालने के बाद हम इसमें मगज और काजू का पेस्ट जो हमने बनाया है उसे डालेंगे। गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम ढक्कन खोल के देख लेते हैं और आप देख सकते हैं हमारा जो शाही पनीर है वो कितना अच्छा बना है। और अब हम गैस को बंद करके इसे एक बाउल में निकाल लेंगे।
और अब हम काजू और मगज का जो हमने पेस्ट बनाया था उसे शाही पनीर के ऊपर डालेंगे। शाही पनीर बनके तैयार है। खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप इसके साथ चावल या फिर नॉन सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने में हमें 20 से 25 मिनट का वक्त लगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर शेयर करें। और आखिरी में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।